राहुल अरे कोई मर जाए जीजान में कोई फर्क ना है, इसी दिन की ये हो चुकी है। इनका कहना ये कोई मर जाए जीजा कोई फर्क नहीं है, कोई बीमार हो चाबी दे दो। बस बस योगेंद्र नाम है मेरा, मैं कार्यालय के बाहर बैठा हुआ था तो एक तरीके से जैसे कहना पूरा पुलिस प्रशासन एक तेजी के साथ जाते हुए, कोई भी व्यक्ति जा रहा है गाली चलाते हुए जा रहा है, मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा है, उससे छावी छीनना गाली गलौज करते हुए, यानी कि अभद्रता की सारी मर्यादाएं पूरी पार कर दी। उसके साथ साथ एक हमारे कार्यकर्ता की चाबी छीनी, जब उसने उसका विरोध किया कि मेरी चाबी क्यों छीनी, बड़ा यही तरीका हमें बालियान कहते हैं, जबरदस्ती गाड़ी में ठूसा गया और गंदी गंदी गाड़ियों का प्रयोग किया गया। उसके बाद मेरे कार्यालय में अंदर घुस के जिस प्रकार से तोड़फोड़ की गई है, मैं जब तक जिस जो इसमें दोषी है जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं इस गाड़ी को हटने नहीं दूंगा, ये सच्चाई है। भारत माता की तस्वीर, भारत माता की देखिए, इनकी जितनी जितनी इनकी गुंडागर्दी है किसकी सरकार में चल रही है, किसकी आप विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हैं, ये नहीं किसकी गुंडागर्दी चल रही है, सीओगी सेकंड की आप पता करते हैं, पूरा मामला मालूम करते हैं, कार्रवाई होगी निश्चित होगी, 100% कार्रवाई होगी। हम किसी भी कीमत पर इस तरीके की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। CO2 नीरज जादौन नीरज जादौन की ये गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसमें पुलिस वाहन की चेकिंग चल रही थी, डीजी के ऑर्डर पे पुलिस वाहनों की चेकिंग चल रही थी। उसमें ऐसा संज्ञान में आया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हुई है, तो किसी सिपाही के बारे में बताया, सब बालियान टाइप का कोई इसका नाम है, तो उन्होंने लोगों की चाबियों भी ले ली थी, उनके साथ बदसलूकी किया था, उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया गया है। बाकी जो सीओ साहब के अपराध हैं उनकी भी भूमिका थोड़ा संदेहास्पद थी, तो मैंने निर्णय लिया कि उनको लाइन में भेज देंगे। बाकी सीओ के बारे में उनका कहना है, उसमें हमने एडीएमसीटी को कहा है कि एक संक्षिप्त जाँच कर लेंगे, 24 घंटे में के अंदर मुझे रिपोर्ट देंगे, अगर उसमें कहीं कोई दोष कहीं कोई बात आएगी तो उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।